आगरा में यूपी कांग्रेस के मुखिया राज बब्बर ने मंगलवार को राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार रोजगार देने में फेल है, मजदूरों के पास काम नहीं है, बीजेपी चुनाव के समय राजनीति करती है, राम मंदिर को मुद्दा बनाती है। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रहा हूं कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो कहां बनेगा। मुसलमानों की तरफ से भी पूछ लेता हूं, क्योंकि मेरे मंच में सभी धर्म के लोग बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? जवाब दें बीजेपी वाले, क्योंकि ये मैंने नहीं कह रहा हूं, ये मंच नहीं कह रहा, ये हिंदू या मुसलमान नहीं कह रहा, ये तो तुलसीदास की रामायण में बहुत दिन पहले लिखा गया। उन्होंने जो दायर किया हो मुकदमा, ऐसे किस मुकदमे के कि राम मंदिर के लिए उनको जगह चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जो मुकदमा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा ये नहीं है कि भगवान राम का मंदिर कहाँ बनेगा, उसकी मंदिर बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा है, तीन मालिक हैं 2.77 एकड़ के, क्योंकि तीन मालिकों ने कहा है कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, जिसमें से दो हिंदू हैं, एक मुसलमान है। तीनों की लड़ाई ये है कि ये मालिकाना हक मेरा है, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। और बीजेपी बाहर आके कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। अब सरकार जो है एक नया शगुफा ला रही है, ये प्रपोजल आज का नहीं है। 89 में जो सरकार थी, 1989 के अंदर, 90 के अंदर जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर ये फॉर्मूला बना था, जिसके बाद में एकदम रथ यात्रा में निकल पड़े थे कि 2.77 एकड़ जमीन गवर्नमेंट उसको अधिग्रहित करती है, 2.77 एकड़, और उसके एतराफ में वो जमीन पे जो जहां चाहे जो बना सकता है, मंदिर चाहे मंदिर, मस्जिद चाहे मस्जिद, जो भी चाहे बना सकता है।